आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चांदी की चीज़ों को साफ़ करने के लिए अलग अलग टिप्स। तो देखिए, घर में जो भी चांदी की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जो भी हम पायल पहनते हैं, सिक्के होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, सभी अक्सर ख़राब हो जाती है। तो देखिए, ये मेरी मंदिर की मूर्तियाँ हैं, तो ये हवा पानी के संपर्क में आके काफ़ी काली पड़ जाती है। तो इनको जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं, फिर भी ये काली पड़ जाती है। तो ये पायल है मेरी, पायल भी ख़राब हो जाती है, काली हो गई है। सिक्के हैं, तो ये सभी बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए आज मैं आपके लिए अलग अलग टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत इजी है ये टिप्स और बहुत ही आसान है। तो देखिए, पहला मेथड हम देख लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, कटोरी में विनेगर लेंगे, कोई भी विनेगर ले लीजिए जो भी आपके पास है। मेरे पास एप्पल विनेगर है तो मैं ये ले लूँगी। इतना लेना है कि आपकी जो भी चांदी की चीज़ साफ़ कर रहे हैं वो अच्छे से डूब जाए। और इसमें लेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, वो भी डाल देंगे। तो देखिए, डालते ही कैसे रिएक्ट कर रहा है, बबल आने लगे हैं। तो इन सिक्कों को इसमें डाल देंगे, 1-2 मिनट के लिए इनको इसी तरह डुबो के रखेंगे। तो देखिए, अपने आप ही ये काफ़ी साफ़ होने लगे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी बबल आ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, डालते ही ये साफ़ हो गए हैं। बस थोड़ा सा, अगर चाहे तो आप इनको और ज़्यादा साफ़ करने के लिए इनको थोड़ा सा रगड़ सकते हैं। तो देखिए, अब हम एक सिक्का निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना चमक गया है ये सिक्का बिना मेहनत के। अब स्कॉच ब्राइट लेंगे और साबुन लगा के उससे थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे। तो बिल्कुल देखिए नए जैसा हो जाएगा अगर रगड़ेंगे। वैसे तो ये काफ़ी साफ़ हो गया था सिरके के अंदर ही, तो थोड़ा सा रगड़ देंगे तो और चमक जाएगा। तो देखिए काफ़ी चमक गया है। तो इसी तरह चांदी की चीज़ों को हम साफ़ कर लेंगे। और मैं देखिए, दोनों सिक्कों को मैंने साफ़ कर लिया और धुल के दिखाती हूँ। देखिए, हो गया ना बिल्कुल नए जैसे। तो ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। इसमें मैं पायल लूँगी, अपनी पायल साफ़ करके दिखाऊँगी। ये शेविंग क्रीम जो होती है सभी के घर में होती है, तो यही लेंगे। थोड़ी सी शेविंग क्रीम लेनी है और इसको हाथों से इस तरह पानी लगा लगा कर मसलना है। तो जो भी मेथड मैं आज दे रही हूँ ये बहुत इजी है और बिना मेहनत के ही है। तो बस थोड़ा सा रगड़ना ही है और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। तो इसी तरह देखिए रगड़ लेंगे। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इन्हें कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही ये काफ़ी साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरह इनको 1-2 मिनट के लिए हाथों से ही रगड़ दीजिए। तो देखिए काफ़ी साफ़ हो गई है ये। 1 मिनट के आसपास मैंने इनको रगड़ा है। तो देखिए, अब मैं आपको धुल के दिखाऊंगी किस तरह ये चमक गई हैं। बिल्कुल बिना मेहनत के ही देखिए काफ़ी अच्छे से चमक गई हैं ये पायल। तो आप पायल हो या कुछ भी चांदी की चीज़, इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो 2 मेथड मैंने बताए हैं, दोनों में से आप कोई भी अपना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मेथड बताइएगा कमेंट करके। मेथड नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पूजा की जो मूर्तियां हैं मेरी, लक्ष्मी गणेश जी, इनको साफ़ करेंगे। अक्सर दिवाली पर तो ये ज़रूरी साफ़ की जाती है, और जो घर में कोई भी पूजा होती है तब भी मैं इनको साफ़ करती हूँ। तो देखिए, कोलगेट का ही पाउडर आता है, ये मैं एक अलग ही रखती हूँ ये साफ़ करने के लिए। आप चाहे तो लिक्विड पेस्ट जो आता है ब्रश के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ले लेंगे और एक टूथब्रश ले लेंगे, कोई भी ब्रश ले लीजिए, और इसको लगाकर थोड़ा सा गीला करके ब्रश को इनको साफ़ कीजिए। ब्रश से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें हाथ से भी रगड़ सकते हैं। हाथों पर थोड़ा थोड़ा सा लेकर पाउडर को इस तरह रगड़ दीजिए, तो ये काफ़ी साफ़ हो जाती है मूर्तियाँ। तो देखिए, इस तरह मैं साफ़ कर रही हूँ, तो देखिए काफ़ी साफ़ होने लगी है ये मूर्तियाँ भी। तो इस तरह आप इन मूर्तियों को भी साफ़ कर सकते हैं। जो मंदिर की मूर्तियों को थोड़ा सा स्वच्छ तरीके से साफ़ करना पड़ता है, तो ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। देखिए, साफ़ हो गई है काफ़ी। अब मैं धुल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये मूर्ति भी काफ़ी चमक गई है। तो दूसरी मूर्ति को भी हम इसी तरह साफ़ कर लेंगे। देखिए, आपको डिफरेंट दिख रहा होगा दोनों मूर्ति में। तो आप इस तरह अपने मंदिर की मूर्तियों को साफ़ कर सकते हैं। तो एक पाउडर या पेस्ट कोई भी ले लीजिए, उसी से ही साफ़ हो जाएंगी। तो दोनों मूर्तियाँ साफ़ हो गई है, देखिए काफ़ी चमक गई है। तो हमारी मंदिर की भी देखिए तैयारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने 4th मेथड की तरफ। तो 4th मेथड में भी मैं
पायल ही लूँगी, अपनी जो काली हो रही है पायल वही लूँगी, इनको साफ़ करके बताऊँगी किस तरह करेंगे। तो चलते हैं देखिए गैस की तरफ। गैस पे एक भगोना लेंगे और एक गिलास मैंने इसमें पानी डाल लिया है, तो पानी जब बॉयल हो जाए तो इन पायल को भी इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे आधी चम्मच चाय की पत्ती, जिससे हम नॉर्मली चाय बनाते हैं वही पत्ती डालनी है। आधी चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप कपड़े धोते हैं जिससे भी, वही पाउडर डाल दीजिए। और थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बस इनको मिक्स करेंगे और एक दो उबाल लगवाएंगे। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, उबाल आते आते ही हमारी जो भी चांदी की इसमें आप चीज़ें साफ़ करेंगे वो साफ़ हो जाएगी। देखिए मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ आपको, तो काफ़ी साफ़ हो जाएगा। क्लोजअप देखे दिखाती हूँ, तो मैंने दो एक उबाल लगवाया है और ये पायल आसानी से साफ़ हो गई है बिना मेहनत। तो फ्रेंड्स दो चार उबाल लगवाने के बाद हम इनको देखिए निकाल लेंगे। चलिए तो अब इन्हें हम प्लेटफॉर्म पर लेके चलते हैं अपने, इन्हें साफ़ कर लेंगे। बस इनको धीमी गैस पर एक दो मिनट पकाया है, अब मैं इनको देखिए निकाल लूँगी। तो गर्म है, थोड़ा सा सावधानी से इनको हम साफ़ करेंगे। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, गरम गरम में ही हम इनमें थोड़ी सी साबुन लेंगे। बर्तन बार ले लीजिए या विम बार कोई भी ले लीजिए, थोड़ी सी साबुन लेके हाथों से इसी तरह इसको रगड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाइए जिससे इसमें अच्छे से झाग पैदा हो जाए। तो बस इसी तरह हमें इनको रब करना है और ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। तो ये इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है इस वाले मेथड में भी, तो अच्छे से हमारी पायल साफ़ हो गई है इजीली। अब मैं आपको इन्हें धो के दिखाती हूँ, देखिए कैसी हो गई हमारी पायल, एकदम नए जैसी पायल निकल के आई है। तो आप पायल या चांदी की कोई भी चीज़ें इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब पास से आपको दिखाऊंगी किस तरह की हो गई है, देखिए काफ़ी चमक गई है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड नंबर हम चलेंगे लास्ट एंड फाइव मेथड की तरफ। तो इसमें भी मैं आपको एक दूसरी पायल लूँगी, वो साफ़ करके दिखाऊँगी। तो इसमें लेंगे हम दो चम्मच दही, एक कटोरी में दो चम्मच दही ले लीजिए। दही नॉर्मल कोई भी घर का, खट्टा हो या मीठा, कैसा भी दही ले लीजिए। तो एक चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, जो खटाई होती है वही डालेंगे। और इसमें देखिए गुठलियाँ बनी है, तो मैं इनको फोड़ दूँगी अच्छे से और दही में मिक्स कर देंगे इन्हें। तो इनमें जो मेरी पायल है या कोई भी जो भी आप चांदी की चीज़ साफ़ कर रहे हैं उसको अच्छे से इसमें डिप कर दीजिए और इसको एक दो मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। जो भी इसमें कालापन होगा वो आसानी से इसमें निकल जाएगा। तो जब हम इसको एक दो मिनट के लिए रखेंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। बस हाथ से इसी तरह इसको भी रगड़ के साफ़ करना है। तो सारे मेथड एक जैसे ही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। तो देखिए आसानी से ये भी पायल साफ़ हो गई है। तो इनको भी मैं इसी तरह, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी साबुन लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह बस इसी में ही मैंने रगड़ा है और इनको धुल के मैं दिखाऊंगी अब आपको। देखिए ये भी अच्छे से चमक गई है। तो सारे मेथड बिना मेहनत के ही हैं और इसी तरह सब पायलों को, जो भी चांदी की चीज़ें घर में हैं, आसानी से हम देखें साफ़ कर लेंगे। तो आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो, कोई भी मेथड पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। देखिए ये सब चीज़ें हमने साफ़ कर ली है, दिवाली पर आप इनको इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको इन सबको दिखाती हूँ, देखिए सारी चीज़ें जो हमने साफ़ की है, देखिए काफ़ी चमक गई है सारी पायलें हैं। और ये लक्ष्मी गणेश जी जो मैंने करे हैं ये भी और सिक्के भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।